हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने बुधवार 14 अगस्त को उनकी अपील खारिज कर दी। फोगाट को फाइनल से पहले ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सीएएस में अपील की थी। अपील पर फैसला 16 अगस्त को होना था, लेकिन 14 अगस्त को ही उनकी अपील खारिज कर दी गई। फैसले के बाद भारतीय ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट पीटी उषा ने नाराजगी जताई। विनेश फोगाट की हरियाणा में ग्रैंड वेलकम की तैयारी चल रही है। विनेश 17 अगस्त को भारत आ सकती है। इसकी जानकारी रेसलर बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। विनेश के भाई हरविंद्र बलारी ने दिल्ली एयरपोर्ट से गांव बलाली तक विनेश का रूट तैयार किया है। इसमें जगह जगह विनेश का स्वागत किया जाएगा। उधर पानीपत में युवाओं ने विनेश फोगाट को 11 लाख कैश और 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। वहीं महम 24 सर्वखा पंचायत ने फैसला किया है कि विनेश को 24 रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उधर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, भारत कुश्ती में 6 और मेडल जीत सकता था, लेकिन पिछले 15-16 महीनों में खेल में जो उथल पुथल मची उसे देखते हुए हमने कई मेडल खो दिए। वजन को बनाए रखना खिलाड़ी पर निर्भर करता है। वजन बढ़ाना और कम होना खिलाड़ी के शरीर पर बहुत बुरा असर डालता है। विनेश को हंगरी में विदेशी कोच के साथ ट्रेनिंग सहित हर वो सुविधा दी गई जिसकी उसने मांग की थी। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि हम विनेश का गोल्ड मेडलिस्ट की तरह ही स्वागत करेंगे। जिस खिलाड़ी के साथ इतने बड़े स्तर पर ऐसा बर्ताव हो जाता है वो खिलाड़ी संन्यास जैसा फैसला ले लेता है। पेरिस से लौटने पर विनेश को पूरा परिवार मनाएगा और 2028 के ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू करेंगे। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।